जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ये वाला न्यूमेरिकल। एक उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न में बहुत सारे आपके लिए करवाए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दर्पण से रिलेटेड मिल जाएंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आने वाले हैं, और हर साल आते हैं जब से एनसीईआरटी लागू हो गए, जब से तो और हर साल आएंगे, तो आपको इनका रटा हुआ होना चाहिए। और ये आपके 4 नंबर के आते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। सबसे पहले आपका जो दिया है उसको करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। हल में क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है। आपका पहला पॉइंट क्या दिया है भाई, उत्तल दर्पण है ना, दर्पण का प्रकार। इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे। दर्पण का प्रकार बराबर उत्तल, दर्पण आपका उत्तल है, ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ पर लिख सकते हैं, दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं पूरा, की उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आर इक्वल टू आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा देंगे इसलिए, या यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी EF इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/2 है ना, बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, यानी समझा सकते हैं एग्जामिनर को कि भाई कैसे हमने ये किया। तो आपका R इक्वल टू आपका हो जाता है 2F, इसलिए यहाँ पर F इक्वल टू आप लिख सकते हैं R/2, इससे आपका सिद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार करें, क्योंकि यहाँ पर और कुछ कंडीशन ही नहीं दिया गया है। देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या वाला है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है। आप कल्पना कीजिए कोई दर्पण है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर अगर हम मान लें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर माने कि भाई ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका इसका हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस और यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो इसके क्या बोला गया है कि भाई 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है इसकी, जो इसकी त्रिज्या है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, जो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो, वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो खोखले गोले का केंद्र होता है उससे और ये ध्रुव के बीच की दूरी को ही तो हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। और फोकस दूरी इसके और इसके बीच की दूरी बोलते हैं, और ये जो होता है ये इसके बीच में उपस्थित होता है, इसलिए R/2 कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ये आपका दिया गया है। आगे देखिए, तो उसका प्रतिबिंब, देखिए इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, कोई वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। कोई वस्तु रखी जाती है, मान लेते हैं यू रखी गई, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, भाई प्रतिबिंब तो आपका उत्तल दर्पण में दाएं साइड बनता है, यानी इस साइड बनता है ना, तो वो आपका बनता है किससे भाई, आधे आकार का, यानी U/2 बनता है। तो यही तो आपका बनेगा भाई, इधर अगर यू रहेगा तो आपका जो वस्तु है उसके आकार के आधा बनता है, U/2 हो जाएगा। तो हम बी इक्वल टू आपका U/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, तो आगे लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो ये लिखे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, आप प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया गया भाई, आपका दिया गया है जो भी बनता है वो U/2 यानी उसके आधे आकार का बनता है, जो आपका बिंब है उसके आधे आकार का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई माना, ठीक है, माना उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बिंब भी है तथा वस्तु यू है, ठीक है, यू है, तब क्या हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर हमें करना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप भाई लिख सकते हैं कि भाई U/2 यानी आपका जो बिंब है उसके आधे आकार का बनता है आपका प्रतिबिंब, यानी आपका प्रतिबिंब इक्वल टू आपका हो जाएगा यू भी इक्वल टू आपका हो जाएगी U/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई प्रश्न से, प्रश्नानुसार यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका यू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, V/2 इक्वल टू आपका यू हो जाएगा, या यू इक्वल टू आपका 2V हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसको समीकरण आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात होती है,
आपका जो यहाँ पर दिया गया है उत्तल दर्पण, लेकिन आपका जो वस्तु होती है वो दर्पण के बाएं साइड रखी जाती है, आप जानते होंगे, और जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के दाएं साइड यानी दर्पण के पीछे साइड बनता है, यानी इस साइड बनता है। इधर तो आपका चिन्ह पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, यानी हम विपरीत चिन्ह मान लेंगे, तो भाई यू इक्वल टू माइनस टू भी मान सकते हैं, या माइनस यू बराबर टू भी, तो ये चिन्ह को इधर भेज देंगे, तो बात एक ही है, माइनस टू भी। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे दर्पण सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी की जगह यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, तो आपका वन बाई टेन एफ बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई, ठीक है, भी तो आपका वो दिया गया है, यू की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस टू भी, तो माइनस टू भी रख देंगे, सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे इतना। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो वन बाई टेन इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, टू भी आपका आ जाएगा क्योंकि चिन्ह नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी का यहाँ पर भाग दो में टू भी में दो बार जा रहा है, तो आपका दो एक कम दो हो जाएगा प्लस, यानी दोनों में दो का गुणा हो जाता है, प्लस आपका हो गया माइनस टू भी, यहाँ पर हो गया आपका टू भी कट गया, माइनस वन बचा, इतना हो गया आपका। आगे देखते हैं आगे क्या आएगा आप बताइए, तो यहाँ पर आगे आपका आ जाएगा वन बाई टेन है ना इक्वल टू आपका रहेगा टू और प्लस वन माइनस वन है ना, तो वन बचेगा यहाँ पर क्योंकि टू बड़ा है आपका, टू प्लस का है बड़ा है, तो बाई टू भी इतना आ गया आपका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू भी इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, टू भी इक्वल टू आपका टेन लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इसका इसमें, तो भी इक्वल टू आपका टेन बाई टू हो जाता है, तो आपका यहाँ पर भी इक्वल टू हो जाएगा फाइव, ये आपका देखिए प्लस का आ गया है ना, प्लस का आ गया। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आपका भी यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण से दाएं साइड बन रहा है, यानी उत्तल दर्पण के पीछे साइड बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा भाई, आभासी होगा एवं सीधा होगा, सिंपल सी बात है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे यू भी पूछा गया है, तो भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, भाई 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपका बनेगा। अब जो यहाँ पर भाई जो वस्तु वो कितनी दूरी पर रहेगी, अब चलिए इसमें हम मान रख देते हैं भी का यू बराबर टू भी, तो समीकरण एक में मान रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस साइड कि समीकरण एक में मान रखने भी का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पर देखिए जो आपका लिखे हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते थे कि समीकरण वो एक से, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते थे समीकरण एक से, क्योंकि हम समीकरण एक से तो इसके लिए हैं जाके एग्जामिनर को पता चल सके। आगे देखते हैं यहाँ पर समीकरण एक में भी का मान रखने पर ठीक है, मान रख देंगे समीकरण, क्या दिया गया है समीकरण आपका यू बराबर माइनस टू भी, तो यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू भी की जगह हम क्या रख देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया है भी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, तो ठीक है, तो यू इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के सामने, यहाँ पर लिख देंगे दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी रहेगी, दूरी पर वस्तु रखनी चाहिए, और दूसरी बात आपका प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर, दर्पण के पीछे या दाएं साइड आप बोल सकते हैं पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब यानी भी बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।